तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टेंपल में। तो आज हम इस कैरेक्टर के हिप और लेग के ऊपर काम करने वाले हैं। इस कैरेक्टर के हिप और लेग को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसे बनाना है ब्लेंडर के अंदर इसके हिप को और लेग को, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको सीखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लेंडर, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पावर पॉइंट, HTML, जो भी आपको सीखना है वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। वो भी ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे सारे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैरेक्टर के हिप को बनाना। तो सबसे पहले आपको एडिट मोड में वापिस जाना है, और एडिट मोड में जाने के बाद आपको एज मोड को सेलेक्ट करना है और इस एज को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम जाएंगे कैरेक्टर मॉडलिंग के अपने स्क्रीन लेआउट के अंदर। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये एजिस है, इन एजिस को डाउन की तरफ पुल करना है, जो हमारे कैरेक्टर की ड्राइंग है उसके साथ। तो अब आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ई की, थोड़ा सा उसे डाउन की तरफ ले जाइए और हल्का सा उसे बाइंडिंग इफेक्ट दीजिएगा हिप की तरफ की साइड, और हल्का सा उसे स्केल दीजिए ताकि वो ड्राइंग के साथ मैच करे। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें जो है अपने फ्रंट व्यू को जो है हिप वाले पार्ट को थोड़ा सा स्केल करना रहेगा। तो फिर से इसे एक्सट्रूड करते हैं। और अब हमारी ट्रिक लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें इसके जो है एजिस को जब हम एक्सट्रूड करने वाले हैं तो दो हिस्सों में उसे डिवाइड करके हमें एक्सट्रूड करना रहेगा। तो वो कैसे करना है वो आप देखिए। तो उसे एक्सट्रूड करने के लिए, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें इन एजिस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वापस हम कैरेक्टर मॉडलिंग में अपने जाते हैं वापस। तो अब आपको क्या करना है कि इन एजिस को सेलेक्ट करना है। फोर अपने एजिस आपको आगे फ्रंट की तरफ सेलेक्ट करने हैं, और फोर एजिस आपको बैक की साइड से भी सेलेक्ट करने हैं। तो ठीक है, अभी हमें इसको क्या करना है कि एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ, और थोड़ा सा अंदर की तरफ आप इसको स्केल कीजिए, और थोड़ा सा फ्रंट की तरफ से पीसी अंदर की तरफ स्केल करना पड़ेगा हमें इतना। ठीक है, और उसके बाद हमें फिर इसको एक्सट्रूड करना है, और थोड़ा सा अंदर की तरफ से इसे स्केल करना है, फ्रंट की तरफ से भी थोड़ा सा हमें इसे स्केल अंदर की तरफ करना है ताकि करेक्टर के साथ और बेटर लुक आता जाए इसका। तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया इसको। तो एक और एक्सट्रूड लास्ट डलेगा इसके अंदर, तो इसको भी एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसे, थोड़ा सा इसे नीचे ले जाके एडजस्ट करके, और इसे थोड़ा सा ऊपर बैक ऊपर ले जाते हैं वापस। और मे बी हमें इसको भी जो है फ्रंट वाले को भी स्केल करना पड़ेगा इनकी तरफ, अंदर की तरफ। सो अब हमारे पास बन चुका है एक डाइपर। तो डाइपर हमने तैयार कर दिया है इस बच्चे का, करेक्टर का। तो आगे इसको, इसके लेग्स को कैसे तैयार करना है वो देखते रहिएगा। तो अभी हमारा अगला काम रहेगा कि इसे कनेक्ट करना। तो वर्टिस मोड में वापस जाते हैं हम, और सेलेक्ट करते हैं इन दो एजिस को, और अपने कीबोर्ड से दबाना है आपको Alt+M, और सेलेक्ट करना है आपको एट सेंटर, ताकि ये इसके सेंटर से जो है एक दूसरे को मर्ज कर दे। बाकी सभी वर्टिस के साथ भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैक डाइफर था वो कनेक्ट हो चुका है, और सील दिया है हमने उसे डाइफर को। ठीक है जी, तो अभी थोड़ा सा इसको हमें फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी रहेगी। तो आप इसे देखिएगा, जो थोड़ा सा पुल करना है तो आप देखिए वीडियो पे कैसा हो रहा है। तो जिस तरीके से अभी पुल एडजस्टमेंट देना पड़ेगा हमें इसके बॉडी वाले हिप पार्ट को, जैसे हम एडजस्टमेंट देते हैं थोड़ा सा राउंडेड इफेक्ट लाना है उसमें, तो थोड़ा सा इफेक्ट हम इसमें देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अपने वर्टिस को। तो कैसे कर रहे हैं वो देखते रहिए। तो अभी लगता है कि ये अभी के लिए ठीक है, बाकी बाद में अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसके लेग्स को तैयार करना। तो अभी हम इस एजिस को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं अपने करेक्टर मॉडलिंग के अंदर वापस। तो अभी हमें इसे पूरा एक्सट्रूड नहीं करना है, बस हल्का सा एक्सट्रूड करना है ताकि इसे एडजस्टमेंट कैरेक्टर के साथ हम देते जाए। तो देखिए अभी कैसे करना है वो, मैंने इसको अभी आपको हल्का सा पुल देना है नीचे की तरफ, और अब इसे थोड़ा सा फ्लैट इफेक्ट देना है, थोड़ा सा फ्लैट कीजिए, हल्का सा रोटेशन देना है आपको इसे, और थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा स्केल इसे दे दीजिए। देन अगेन आपको हिट करना है अपने कीबोर्ड से ई की एक्सट्रूड करने के लिए, थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं इसे और हल्का सा रोटेशन देते हैं,
थोड़ा सा स्केल डाउन की तरफ और वन मोर एक्सट्रूडन। उसके बाद हम इस काम करेंगे इसके नीज पे, इसे स्केल कीजिए जी एक्सिस की तरफ थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए, अपने इसको नीज बनाने के थोड़ा सा काम हेल्प मिलेगी आपको। और एक बार और फिर हमें जो है इसमें थ्री एजेस की जरूरत पड़ेगी अपने एक्सट्रूड के समय, ताकि क्योंकि थ्री एजेस बेंडिंग के लिए होता है। फर्स्ट थ्री आपके नीज के सेंटर के लिए होगा, फिर उसके बाद जो थ्रीज बनेंगे उसके बाद वो उसके बीच का सेंटर रहेगा। सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमें थ्री थ्रीज एक्सट्रूडन देने पड़ेंगे उसमें। तो अभी तो हमारा टॉप था नी का, अब हम इसका जो मिडल ऑफ नी बनाते हैं, तो एक्सट्रूड करते हैं इसे थोड़ा सा। और ये एक्सट्रूड हमारा बॉटम है नी का। और अभी हम एक और एक्सट्रूडन देंगे काफ बनाने के लिए इसका, मे बी इसे थोड़ा सा हमें स्केल करना होगा बाहर की तरफ। और देन हमें जो है इसको एक्सट्रूड करना है डाउन की तरफ। और ये एडजस्टमेंट जो मैं दे रहा हूँ इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे कैसे देना है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पे कितनी स्पेस चाहिए होती है, कहाँ पे कैसे इसका बाइंडिंग है, कैसे है, जो भी आप अपने खुद के पार्ट को शरीर के देख सकते हैं उसको पता लग जाएगा आपको, कहाँ पे कैसा हमें एडजस्टमेंट देनी है वो आपको पता लग जाएगा। और इसे थोड़ा सा स्केल करते हैं अंदर तरह अंदर की तरफ। तो अभी हमने क्या किया है कि थ्री एजेस बना लिए हैं अपने नी के लिए और थ्री एजेस तैयार किए अपने हिप के लिए। सो हेयर वी गो। तो अभी जो हमने क्या किया था कि अभी हमने बेसिक्स बना लिए हैं कैरेक्टर के अपने, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हल्का फुल्का, हमने हेड तैयार किया है इसका, हैंड तैयार किया है और हिप और लेग भी तैयार कर दिया है कैरेक्टर का, मतलब लगभग स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो ये वीडियो तो हुआ ख़त्म अभी यहाँ पे। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट में से अभी और करूँगा, थोड़ा सा राउंडेड इफेक्ट और बढ़िया इफेक्ट देने के लिए इसे कैरेक्टर में। तो जो भी रहेगा अभी आप ने अगर तैयार किया है इस वीडियो को देख के, अगर बाद में भी करना चाहते हैं तो बाद में भी देख के इसे तैयार कर सकते हैं अपने वीडियो को। जो भी आप करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई करेक्टर, तो आप कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम इसका हैंड तैयार करेंगे। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जो सबसे पहला करेक्टर मॉडलिंग का हमने वीडियो तैयार किया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप उस पर जाके जो है अपने करेक्टर मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन नए सॉफ्टवेयर्स की वीडियो हिंदी में ट्यूटोरियल्स सीखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।